हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम लोग कर रहे हैं ट्रायंगल्स, जिसमें लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। और आज हम लोग उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद पाइथागोरस का कन्वर्स करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था किसी भी राइट इन ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। तो उसका स्क्वायर जो होगा रेस्ट दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन इसको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है, इज 8, 15, 17 आर द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। पूछा गया कि 8, 15 और 17 जो है राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है कि नहीं। तो क्या चेक करना है हमको कि सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर। तो हमने लिया लॉन्गेस्ट साइड 17 का स्क्वायर, तो क्या होता है 289। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, लॉन्गेस्ट है। अब जो छोटा वाला है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, आप जानते हैं कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो इस हिसाब से ये कितना आ गया 289। ये भी 289, ये भी 12। हम लिख सकते हैं कि 17 का स्क्वायर जो है इक्वल हो गया है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर के। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, यस हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल का, क्योंकि देखने में लगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, तो पहले टाइप का क्वेश्चन ये आएगा कि चेक करना है आपको कि है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला ले लेते हैं क्वेश्चन। अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट and then 8 meter due north, how far is he from the starting पॉइंट। ये क्वेश्चन है, मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि मैन यहाँ पे है, डायरेक्शन वाला हम लोग बना लेते हैं। क्या डायरेक्शन कैसे माना गया है कि हम जो है जिधर से सन आता है उस डायरेक्शन में खड़े हो गए, हमारा फेस जिसको फेस कर रहा है वो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, बैक किसको वेस्ट, और ये जो राइट वाला है ये हो जाएगा साउथ में और ये हो जाएगा नॉर्थ में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं बोर्ड पे, अगर हम बना रहे हैं जैसे मेरा फेस किसको फेस कर रहा है इसको, तो ये हो गया ईस्ट, तो ये हो जाएगा वेस्ट। राइट वाला क्या था, यही ना था राइट वाला साउथ, तो राइट हैंड इधर साउथ, तो इधर क्या हो जाएगा नॉर्थ। ये हमने डायरेक्शन बना लिया। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया कि आदमी यहाँ पे भी है। मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, 15 मीटर वेस्ट की तरफ गया, वेस्ट किधर है इधर है, तो मतलब यहाँ से चला और यहाँ आ गया 15 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, उसके बाद 8 मीटर नॉर्थ की तरफ वो गया। ठीक है, तो यहाँ है, यहाँ से 8 मीटर नॉर्थ किधर है, इधर है, ये हो गया। एक बार यहाँ पहुंचा, एक बार यहाँ पहुंचा, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है यही हमें बताना है। 15 मीटर ड्यू वेस्ट गया, आधे 9 मीटर ड्यू नॉर्थ गया। ठीक है, तो कितना दूर है वो स्टार्टिंग पॉइंट, यही हमें बताना है। स्टार्ट करते हैं, पहले कितना चला था 15 मीटर और फिर बाद में कितना चला 8 मीटर, तो यही डिस्टेंस है, आपको देखने में आ रहा है कि डिस्टेंस का वैल्यू यही है। तो
निकाल लेते हैं इस हिसाब से। ये अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, आप देख रहे हैं कि दो साइड मालूम है 8 15, तो यही आएगा ना 17 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं ए बी सी, तो फिर क्या होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब आप वैल्यू डाल दीजिए, ए बी कितना है तो 15 का स्क्वायर और ये है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, 425 प्लस 64 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से रूट अंडर 289 आ गया, ए सी का वैल्यू कितना आया 17 आ गया। ठीक है, चेक कर लेता हूँ मैंने क्वेश्चन सही लिखा है या नहीं लिखा है। हाँ लिखा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैडर 25 मीटर लॉन्ग लैडर 25 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया, ये तो मैंने डायरेक्शन बना दिया था, ये डायरेक्शन आपका था, जिसमें जो है आदमी जो है कहीं एक ही पॉइंट से चलना शुरू किया, मान लीजिए वो यहाँ से शुरू किया है, स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये है, तो यहाँ से गया इधर कितना 15 और फिर यहाँ से गया नॉर्थ, ठीक है ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, और तब इस कंडीशन में स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है, ये तो डायरेक्शन है और उसका वो सेंटर था। लैडर 25 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 24 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अ लैडर 25 मीटर लॉन्ग, लैडर है तो लैडर किस तरह का होगा, लैडर इस तरह का होगा, मतलब लैडर हाइपोटेनस का काम करेगा, जैसे ये दीवार है तो हम लैडर लगाएंगे तिरछा हो, आपने देखा हाइपोटेनस हमें तिरछा होता है, तो इस तरह से हमने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी नेम दे दिया, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया आपका 25 मीटर बिल्डिंग, 24 मीटर हाई है, मतलब ये क्या हो गया हाइट हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना, बी सी निकालना, तो फिर आप पाइथागोरस इसमें यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर होगा, और ए बी का वैल्यू क्या है तो 24 का स्क्वायर है, बी सी का पता नहीं है, और ए सी आपका 25 है, ये 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी 25 हो जाएगा, उधर भेज देते हैं तो 625 में से ये हो जाएगा 49, सो बी सी इज इक्वल टू 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन तो शायद इतने में आ भी नहीं पाएगा, इसलिए मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो विच इज 9 मीटर above the ground on one side of a street, on one side of a street, keeping its put at the same point the ladder is 10 to the other side of the street to reach a window find the width of the street. यही क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं हम लोग क्या है। अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो, तो पहले इसके लिए हमको लैडर बनाना होगा, विंडो बनाना होगा, तो हमने बना लिया, ये हो गया विंडो, यहाँ पे रहेगा, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, लैडर हो जाएगा, तो इसका बेस तो होगा ही, ये फिगर मेरा बन गया। तो हमने देखा कि लैडर है 15 मीटर, विंडो विच इज 9 मीटर एबव द ग्राउंड, मतलब ये विंडो यहाँ पे है, खिड़की ये यहाँ से 9 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर राइट एंगल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा इतना के हिसाब से, तो ये 15 है और ये 9 है, ये वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी सी नेमिंग कर देते हैं, तो यहाँ से आपको बी सी क्या हो जाएगा, बी सी अब लिखिएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, यहाँ से बी सी स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस 81, तो बी सी इज इक्वल टू रूट 144 12, तो ये 12 आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट है, आगे पढ़ लेते हैं। कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, लैडर का फुट यहाँ है तो सेम पॉइंट में रखना है, द लैडर इज टर्न इन टू अदर साइड, सीधे अब इधर है, अभी इस साइड कर दिया अदर साइड, इस तरह से विंडो 12 मीटर हाई, कितना है हाइट 12 मीटर है, तो अब ये जो हाइट है अभी 90 बनेगा, ये जो हाइट है कितना है 12 मीटर है, और ये लैडर 15 मीटर है, तो यहाँ भी 15 मीटर रहेगा क्योंकि लैडर तो वही है। ठीक है, और फिर ये 15 है 12 का, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, निकाल लीजिए, ए बी सी है, यहाँ डी लिख देते हैं, यहाँ ई लिख देते हैं, फिर इस ट्रायंगल में आप जाइएगा, क्या होगा, सी ई का स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही है। अब सी का वैल्यू क्या है 15 स्क्वायर, सी डी का पता नहीं, डी है 12 स्क्वायर, बी हो जाएगा 225 माइनस 144 सी डी स्क्वायर, तो ये 81, ये 9 हो जाएगा सी का। स्ट्रीट का एक गली ये है, एक विंडो ये है और ये है, दोनों स्ट्रीट के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, बी सी आपको पता है 12, सी डी अभी 9, तो 21 मीटर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है।
ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा था लेकिन सोल्यूशन इसका बहुत ही ईजी निकल गया। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू पोल्स ऑफ हाइट, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 meters and 11 meters स्टैंड वर्टिकली ऑन अ प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 meters फाइंड द distance between their tops। तो उसके टॉप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा यही बताना है। देखिए कैसे होगा, फिगर पर बना लेते हैं। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 meter, दो पोल है, एक 6 meter का है तो ये 6 meter वाला हो गया और ये 11 meter वाला हो गया। 6 meter, 11 meter तो मिला देते हैं, दोनों का बेस तो होगा, जमीन पे खड़ा होगा। अब देखिए इसको भी मिला देते हैं, इसे क्या हो गया, 90 बन रहा है, 90 बन रहा है। तो ये एक रेक्टेंगल बना के अपोजिट साइड बराबर, तो ये अगर 6 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 6 ही होगा। और ये टोटल है 11, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, 5 हो गया। आप इतना समझ गए होंगे। अब इसको ज्वाइन कर लेते, यही तो टॉप, इसका टॉप ये है, इसका टॉप ये है, और ये वैल्यू हमें निकालना है। नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई लिख दिए। अभी क्वेश्चन में कुछ दिया हो, देख लीजिए, अब डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, पहले वाले का फीट ये है, दूसरे वाले का फीट ये है, फीट कितना है डिस्टेंस 12, ये 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर 90 degree बन रहा है। अब तो आसान है, अब हम क्या लिखेंगे, इंट्रायंगल डी सी में हम लोग लिख देंगे कि डी का स्क्वायर जो होगा डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो डी का पता नहीं है, डी सी तो है 5 का स्क्वायर और ये है 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 169 किस है वैल्यू डी स्क्वायर का, तो डी क्या होगा रूट अंडर 169, तो 13 meter आंसर हो जाएगा। के बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 meter। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और मैं देख लेता हूँ और भी कोई क्वेश्चन है क्या इसमें पाइथागोरस यूज का। आज तक हमने बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जिसमें पाइथागोरस यूज कर लिया है सीधे डायरेक्टली, लेकिन अभी उन्होंने प्रूफ किया है इसलिए उससे रिलेटेड यूज करा है। इन ए रॉम्बस, इन ए रॉम्बस ऑफ साइड 10 centimeter, ऑफ साइड 10 centimeter, वन ऑफ the diagonals is 12 centimeter long, find the length of second diagonal, find the length of second diagonal। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग एक रोम्बस का फिगर बना लेते हैं। आपको मालूम है रोम्बस का साइड एक बॉल होता है, और ये भी मालूम है रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 degree पे, तो हमने यहाँ पर लिया। देखिए डायगोनल इन रोम्बस ऑफ साइड 10, मतलब ये 10 दिया हुआ है। हम इस ट्रायंगल का एक बात करें ओ ए बी का, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, जो कि 90 के सामने 10 है, मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू 10 हो गया, और वन ऑफ द डायगोनल 12 है, तो ये डायगोनल अगर टोटल 12 है, एसी को हमने ले लिया कि एसी क्या है 12 है सेंटीमीटर, तो ये उसका आधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/12 into 12,
मतलब सिक्स, तो ये सिक्स हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनस है और ये कोई एक और साइड है, तो ये दूसरा साइड आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस पे यूज करके। तो हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल OAB, यहाँ पे जो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर होगा AB स्क्वायर के बराबर होगा, और OA का वैल्यू क्या है 6, OB का पता नहीं है, यह है 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से गया 36 बच गया 64, OB का वैल्यू आ जाएगा 8, OB का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8, 8 और 8 16 हो जाएगा। इस तरह से BD इक्वल टू हो जाएगा 2 × OB, 2 × 8 तो 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए हम। नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन। इससे पहले आप लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन क्लास 7 में बनाया होगा, 7 में है इस तरह का क्वेश्चन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स ऑफ, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स of a rhombus is equal to the sum of the squares on its डायगोनल्स, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोमबस, मतलब रोमबस के साइड पे स्क्वायर का सम। तो रोमबस में अगर हम लोग ABCD का रोमबस है तो चार साइड होगा ABBCCDD है, तो हमें प्रूव करना है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू क्या, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। अगर ABCD का रोमबस हम बनाते हैं तब तो बना लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया, ABCD का रोमबस है, रोमबस है तो ऑल साइड बराबर होगा और डायगोनल मिलेगा 90 डिग्री, तो इस कंडीशन में हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं किसी भी एक राइट एंगल, यहाँ भी राइट एंगल, यहाँ भी राइट एंगल, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो किसी एक ट्रायंगल में आप पाइथागोरस यूज कीजिए। लीजिएगा इन ट्रायंगल OAB OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये तो हमने लिखा ही नहीं, क्या प्रूफ करना है, ये तो मैंने बोल दिया। टू प्रूव, प्रूफ करना है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर जो होगा डायगोनल का स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर प्लस कुछ लिख नहीं सकते। AC/2 क्या हो जाएगा, AC² / 4, BD² / 4 और टू AB² तो आप देख रहे हैं कि AC और BD तो आ गया। अब ये लाना है, इसमें से AB अर्जेंट है, ये तीनों चाहिए, क्रॉस LCM ले लेते हैं, तो LCM 4 हो जाएगा, AC² प्लस BD² इज इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, AC² प्लस BD² इज इक्वल टू 4AB², 4AB² को हम चार बार लिख देते हैं, AB² लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है,
रोम्बस का तो ऑल साइड बराबर होता है, तो एक ए बी को छोड़ दिए, इसको बी सी में बदल दिए, इसको सी डी में बदल दिए और इसको डी ए में बदल दिए। यही तो प्रूफ करना था। आ गया आंसर, उम्मीद करता हूँ कि यह अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट और मैं देख लेता हूँ, ये तो हो गया आपका। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इंट्रायंगल एबीसी, इंट्रायंगल एबीसी इट इज परपेंडिकुलर बीसी, प्रूव दैट, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही फिगर है। ठीक है, देखिए इंट्रायंगल ए बी सी एड इज परपेंडिकुलर बी सी, फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने के लिए यही जगह सही जगह, इसका यूज भी हो जाएगा। क्या ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, इतना ही दिया हुआ। ठीक है, और कुछ नहीं ना, राइट एंगल वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ। इंट्रायंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए इसमें यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 होगा, तो पाइथागोरस यूज कर लीजिए। ट्रायंगल ए बी डी में क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी डी पाइथागोरस यूज करेंगे तो होगा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, और फिर दूसरे में यूज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम देख क्या रहे हैं कि दोनों में ए डी स्क्वायर कॉमन है, उसमें भी ए डी स्क्वायर, उसमें भी, तो वहां से ए डी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए डी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन वन लेट कर लिया। क्या, और इस ए डी स्क्वायर का वैल्यू भी इसमें यहाँ पुट कर देते हैं, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर का वैल्यू है ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। लेकिन ये तो एक समस्या हो गया। समस्या क्या हो गया कि अब ए बी स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर आ जाएगा, जबकि वहाँ पे प्लस में चाहिए। मतलब ये सिचुएशन कुछ ठीक ठाक नहीं है। हमको असल में ए सी और बी डी भी लाना है, ए सी और बी डी भी लाना है। तो ए सी आ गया, बी डी आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सी डी स्क्वायर प्लस में चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तब तो ठीक है, हो जाएगा ना। अब ए सी स्क्वायर के साथ क्या चाहिए, बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर माइनस में इधर ला देते हैं। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो प्रूव हो गया, इजी क्वेश्चन निकल गया ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग फिलहाल इस लेक्चर को ये भी फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और आगे मिलेंगे। ठीक है, चल्स के मतलब पाइथागोरस के कन्वर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।